नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज मेरी सिस्टर की बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे तस्मीम। आज मैं अभी जा रही हूँ मामा के घर, क्योंकि मैं वहाँ पे केक बनाऊँगी, क्योंकि मैंने केक का बिज़नेस स्टार्ट किया है। और अगर आप लोगों को चाहिए देन प्लीज़ कंटेक्ट मी। और तो या मैं अभी जा रही हूँ, तो मैं वहाँ पर जाके आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। और बज रहा है 2 PM, तो मैं अभी एक कुर्ती सेट ऑर्डर किया था वो आ गया, जिसका प्राइस था 595 रुपीज़। तो अभी ऑफ़र चल रहा है, तो मैं उसको लिंक दे दूँगी और मैं उसकी रिव्यू भी शेयर करूँगी इसी ब्लॉग पे। तो आप लोग तब तक आगे देखते रहिए। और कपड़ा जो है, मैं ज़्यादा भी हैप्पी नहीं हूँ उसकी मटेरियल को लेके। तो वीडियो की एंडिंग पे आप लोगों को वो उसका रिव्यू भी मिल जाएगा। तो केक बना के हो गया, मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। एक मैंने जो ऑर्डर था वो दे दिया, क्योंकि मैं इतना बिजी थी, मुझे वर्क थी, नहीं मिला शूट करने को और बहुत ज़्यादा, तो मुझे जल्दी जल्दी में बनाना पड़ा वो आके। और फिर मैंने सोचा मैं सिस्टर का केक शूट कर लूँ, तो वो वाला अपना पिक क्लिक किया, जल्दी बनाया और दे दिया, क्योंकि घर के पास ही है, साइड में ही है उन लोगों का घर। मैं अभी डेकोर करूँगी, 30 मिनट्स तक फ्रीज में रखा, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। की बनाए सा ना कुरमा पुलाव, यमी यमी। मैं नहीं खा पाऊँगी, दवाई खा रही हूँ, क्योंकि हमजा को और मुझे मतलब तबीयत अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं नहीं खा पाऊँगी। जैसे ये सब दूध, अंडा, चिकन, मटन, बीफ, ये सब नहीं खा सकता है, तो इसलिए, और गर्म पानी खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सॉरी। तो दैट्स व्हाई मैं ये सब नहीं खा पाऊँगी, मुझे सिर्फ देखते रहना पड़ेगा। और हमजा के लिए इतना सेक्रीफाइस कर ही सकती हूँ मैं, बस हमजा ठीक हो तो। हाँ, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा कॉफ हो गया है। एंड वाला, हियर इट इज़, ये चॉकलेट केक है और मेरी बहन की पसंदीदा केक है ये। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bona. तो ये रहा ड्रेस जो कि मैंने बताया था मेरे ब्लॉग पे। और आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, बिकॉज इसकी जो मटेरियल है ना वो कॉटन का नहीं है, और मुझे कॉटन ही ज़्यादा पसंद है। बट इट्स ओके, आप लोग वेयर कर सकते हैं इफ़ यू आर कॉलेज गोइंग गर्ल और ऑफिस, तो ये आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं। आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंट बिकॉज ये कॉटन का नहीं है, इसीलिए मुझे पसंद नहीं आया थोड़ा, पर इट्स ओके। आप लोग अगर पहन सकते हैं कॉटन के अलावा कोई और भी मटेरियल, देन आप ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और मैं क्या बताऊँ, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये अभी बहुत लोगों ने लिया, मैंने रिव्यू भी देखा इसका, फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ोन या मिंत्रा, मीशो, सब पे ये अवेलेबल है एट अफोर्डेबल प्राइजेस। ये फ़ोन है मेरे पर, गाइस ट्रस्ट मी, इसका जो ट्राउज़र है ना, इट्स रियली रियली कम्फी। ये पूरा प्योर कॉटन का है और एकदम मुलायम सा, छू के ही बहुत अच्छा लग रहा है। I'm home. मैं आ गई घर, हमजा के साथ बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। और मैं आप लोगों ने केक देख लिया, मैं सब कुछ तो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 ऑर्डर्स था, तो मैं उस वजह से शेयर नहीं कर पाई, मैंने सिर्फ बैंका वाला ही दिखाया। और मैं ये ब्लॉग यही पहन कर रही हूँ, बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है ये, मैं मुझे बस
आप लोगों के साथ शेयर करना था। और आप लोग कभी भी माइंड मत कीजिएगा मैं अगर इससे शॉर्ट ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। सो नेवर माइंड, और जैसा आप प्यार दीजिएगा। सो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। फिर बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।